हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू यू इन आवर टुडेज क्लास एंड टुडेज क्लास इज रिलेटेड टू जोग्राफी एंड टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर रेखाएँ लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश रेखाएँ आज हम इन्हीं दो रेखाओं के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये रेखाएँ वर्क करती हैं ऑल थिंग्स वी नो इन दिस क्लास सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ़ ग्लोब ग्लोब क्या होता है ग्लोब इज द स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर अर्थ ग्लोब ग्लोब को हम एक मॉडल मानते हैं जो हमारे अर्थ के स्पेरिकल शेप के अकॉर्डिंग होता है और हमारी अर्थ को प्रेजेंट करने का काम करता है अगर हम ग्लोब के थ्रू जाने दिस पॉइंट इज इंडिकेटिड ज़ीरो डिग्री इक्वेटर यह है, आपका इक्वेटर रेखा है एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल दोनों पोल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो एक ग्लोब होता है वो रोल मॉडल माना जाता है हमारी अर्थ का ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हम ग्लोब पर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स रेखाओं को कैसे जान सकते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किस तरह से जानी जा सकती हैं ऑल थिंग्स वी नो विद दिस डाइग्राम हेयर इज इन दिस डाइग्राम यू कैन सी दैट दिस लाइन दिस लाइन डिवाइड्स अवर अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स ये जो रेखा है ये हमारी इक्वल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड करती है इसको हम ज़ीरो डिग्री वैल्यू मानते हैं इसकी और इसको हम इक्वेटर कहते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेटर इक्वेटर के थ्रू जो रेखा डिवाइड हो जाती है हमारी अर्थ जो टू हिस्सों में डिवाइड हो जाती है वन एंड टू तो वन जो आपका ये हिस्सा होता है ये नॉ डायरेक्शन में होता है इसको हम नॉर्थन हेमिसफियर कहते हैं एंड दिस टाइप दिस साइड इज नॉन एज साउथर्न हेमस्फियर अब हम बात करते हैं पॉल्स की नॉर्थ के नाइन्टी डिग्री पर नॉर्थ का नाइन्टी डिग्री जो पॉल्स होता है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं एंड जब हम इसको साउथ डायरेक्शन की ओर मेजर करते हैं तो साउथ का जो नाइन्टी डिग्री पॉल्स है ये आपका साउथ पोल कहलाता है अब नाइन्टी डिग्री को मेज़र कैसे किया जाता है आपने यहाँ से देखा इक्वेटर से हाफ डिवाइड हुआ अगर हम इसको पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट से हम लेकर चलते हैं रेखा को तो जो ज़ीरो डिग्री है इस रेखा से आपका यह कोण बनाती है नाइन्टी डिग्री का इस तरह से जो कोण बनता है वो नाइन्टी डिग्री का बनता है और यह हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेखा के रूप में जाना जाता है हमारे अर्थ के चार जोन होते हैं थ्री जोन्स मेन माने जाते हैं उसके टू पार्ट्स हम जान सकते हैं आर्किटिक सर्कल जो हमारे अर्थ को 66 इक्वेटर से इक्वेटर से 66 डिग्री हाफ पर डिवाइड करता है और ये हमारा कहलाता है आर्किटिक सर्कल आपका यहाँ होता है 66 डिग्री हाफ पर और 23 डिग्री हाफ पर जो सर्कल डिवाइड होता है पार्ट डिवाइड होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं जब हम चलते हैं साउथ की ओर साउथ दिशा में साउथ डायरेक्शन में आपका सिक्सटी सिक्स डिग्री हाफ पर होगा अंटार्टिक सर्कल एंड जो ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ पर आपका डिवाइड होता है वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इस तरह से थ्री जोन्स माने जाते हैं मेन तो आपके होते हैं थ्री जोन्स नॉर्थ आपका फ्रीजिट जोन टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपके पार्ट्स होते हैं जो हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं अब हमने जाना जो हमारा अर्थ ग्लोब है वह मॉडल माना जाता है हमारी अर्थ का तो ग्लोब के एडवांटेजेस क्या होते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ यह हमारी अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल सही फॉर्मेशन में हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है और जो ग्लोब होता है वह स्पेरिकल शेप में हमारी अर्थ की सही शेप को इंडिकेट करता है इट शो द नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जैक्टली यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो लोकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में शो करता है एंड इट शो द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ यह हमारी अर्थ की साइज और शेप को करेक्ट वे में कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की जो साइज़ और शेप होती है वो सही वे में दिखाता है यहाँ हमने जाना था यह है, आपका इक्वेटर है नॉर्थ पोल साउथ पोल और यहाँ पर जो स्पेस दिखाई ये कॉन्टिनेंट्स हैं ऑल कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर शो किए गए और ओशियंस भी यहाँ पर शो किए जा सकते हैं तो यह करेक्ट रिप्रजेंटेशन हमारी अर्थ की मानी जाती है बट देर आर सम एडवांटेजेज ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब हमने जाना लेकिन देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कैरी द ग्लोब आप ग्लोब को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ़ इट साइज़ इसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है इस कारण से आप इसको ईजिली कैरी नहीं कर सकते ओनली ए पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन एट ए टाइम जब हम ग्लोब को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या करते हैं एक टाइम पे केवल हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हमें एक टाइम में केवल एक साइड का ही हिस्सा दिखाई देता है दूसरा हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता तो ये ग्लोब का माइनस पॉइंट माना जाता है एंड इट डज नॉट हेल्प इन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यह हमें विशेष जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं देता जस्ट लाइक इफ़ यू वॉन्टेड टू गिव डायरेक्शन टू ए प्लेस नियर योर होम अगर आप अपने घर के आसपास की डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो वो आप ग्लोब से मेज़र नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं आपके इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन आर्किटिक सर्कल अंटार्क्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लेटीट्यूड्स की पहचान कैसे होती है लेटीट्यूड्स को अगर हम जाने तो हम इनको लेटी हुई रेखाओं के रूप में भी मान सकते हैं जो अक्ष के पैरेलल चलती हैं ये रेखाएं है, इनको हम लेटीट्यूड्स रेखाएं है, कहते हैं लेटीट्यूड्स लेटीट्यूड्स आर पैरल टू ईच अदर ये पैरलर्स मानी जाती हैं एक दूसरे के एंड ऑल्सो कॉल्ड द पैरल्स और लैटीट्यूड्स इसी कारण से इनको लेटिट्यूड्स और पैरल्स रेखाएं भी कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरलर्स टू पैरलर्स के बीच की जो दूरी होती है इज अज्यूम टू भी वन डिग्री वन डिग्री मानी जाती है दैट इज इक्वल टू और इसकी जो इक्वलेंस होती है वन डिग्री की वो वन डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर होती है वन 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 किलोमीटर वन हंड्रेड इलेवन किलोमीटर इसकी माप मानी जाती है इक्वल टू वन डिग्री ईच पैर ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्कल और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं हमारे वो सर्कल फॉर्मेशन में होते हैं जस्ट लाइक इन दिस डाइग्राम यू कैन सी आप जब पैर बनाएंगे तो वो इस एंगल में हमें दिखाई देंगे तो ये सर्कल रूप में देखे जा सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स द इमेजनरी सेमी सर्कल जो इमेजनरी काल्पनिक सेमी सर्कल्स लाइन्स होती हैं जो रनिंग नॉर्थ टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अगर हम यहाँ देखें ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो सर्कल्स लाइन्स होती हैं ये आपकी लॉन्गी होती हैं लॉन्गीट्यूड्स मीन्स लंबत रेखाएं जो लंबी डायरेक्शन में चलती हैं और इनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैडल्स ये लेंथ में इक्वल होती हैं लेकिन पैरलर्स नहीं होती समान दूरी पर मौजूद नहीं होती 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ये रेखाएं 180 डिग्री ईस्ट होती हैं और 180 डिग्री वेस्ट होती हैं अब हम बात करें अगर ये रेखाएं कितनी कितनी होती हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं कितनी होती हैं तो जो लेटीट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं 90 प्लस प्लस वन जीरो डिग्री जो इक्वेटर होती है उस लाइन को मिलाकर ये वन एटी वन होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं वन एटी प्लस वन एटी इक्वल टू थ्री सिक्सटी लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं आपकी टोटल थ्री सिक्सटी होती हैं तो इस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हो इक्वेटर इक्वेटर क्या है द इक्वेटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइन इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ इक्वेटर हमारी अर्थ को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है दिस इज इक्वेटर जीरो डिग्रीज की वैल्यू मानी जाती है द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज नॉर्थन हेमिसफियर जो नॉर्थन पार्ट होता है ये आपका नॉर्थन हेमिसफियर है और साउथर्न पार्ट को हम साउथर्न हेमिसफेयर के नाम से जानते हैं डिग्री है लार्जेस्ट जीरोस्ट इसको सबसे बड़ी रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हमारी अर्थ को कर देती है प्राइम मेरिडियन क्या होता है प्राइम मेरिडियन बेस्ड एट रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इन लंडन जो ग्रीनविच प्लेस है लंडन का उस पर ऑब्जर्व किया गया है और एरी इन 1851 इसको सर जॉर्ज एरी के द्वारा 1851 में ऑब्जर्वेशन किया गया था इस्टेब्लिश किया गया था इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। यह हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है ईस्टर्न हेमिसफियर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यू कैन सी दिस डाइग्राम यहाँ आपका ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ वेस्ट है तो ये हाफ आपका ईस्टर्न हो गया और ये हाफ आपका वेस्टर्न हो गया तो इस तरह से जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन रेखा हमारी अर्थ को टू इक्वल हाफ में ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के रूप में डिवाइड कर देती है इन दिस डायग्राम यू कैन सी द जोन्स आपके जो सम इम्पोर्टेंट पैरल्स हैं इंपोर्टेंट पैरल्स माने जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्किटिक सर्कल इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल ये आपके इक्वल पैरल्स माने जाते हैं इंपोर्टेंट पैरल्स के रूप में इनको हम जान सकते हैं अगर हम एक्सिस की बात करें जो हमारे अर्थ के एक्सिस होते हैं वो पॉइंट करते हैं नॉर्थ स्टार की ओर नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करते हैं और जब हमारी अर्थ टिल्ट होती है टिल्ट का मतलब होता है झुकना तो यह एक सर्किल एक कोण बनाती है ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ़ का ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ का यह कोण बनाती है और उसी अक्ष पर यह टिल्ट होती है और जिसके कारण हमारे सीजन्स चेंज होते हैं इक्वेटर जो रेखा है वो हमारी अर्थ को हाफ में डिवाइड करता है प्राइमेडियन रेखा हमारी जो लंबत रेखा होती है वो हमें हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर देती है yes, now we will know about latitudes. Latitudes क्या हैं? लैटिट्यूड्स आर लाइंस दैट रन जो समकक्ष चलती हैं पोल टू पोल एंड नोन एज पैरल्स और लैडर लाइंस जीरो डिग्री एट द इक्वेटर यह जीरो डिग्री इक्वेटर के जीरो डिग्री चलती हैं एट पॉल्स पॉल्स पर जीरो डिग्री का एंगल नाइन्टी डिग्री का ये एंगल बनाती हैं जस्ट लाइक दिस अगर हम देखें यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो ये आपका एंगल बनाती हैं इस तरह से 90 डिग्री का एंगल यह क्रिएट है, करती हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की अब अगर हम बात करें तो जो होता है लॉन्गी आर लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है जीरो डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन अप टू वन एटी डिग्री यह जीरो डिग्री वन एट्टी डिग्री पर चलती हैं एंड अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड दैन द नंबर वर्क दे आर दे वे बैक टू प्राइम मेरिडियन और ये प्राइम मेरिडियन पर बैक चलती हैं कन्फ्यूज करते हैं अगर हम बात करें जो हमारा टाइम मेरीडन होता है आपकी जो लॉन्गीट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं अगर आप इसको डिवाइड करें वन डे हमारा जो होता है 24 फोर आवर्स का होता है तो 24 फोर आवर्स से जो डिवाइड होती है तो आपका 15 डिग्री मेज़र होता है तो 15 डिग्री को मेज़र करने में इक्वल होता है वन आवर्स के यह जो टाइम पीरियड माना जाता है ये वन आवर्स के इक्वल माना जाता है तो हमारा जो वन आवर्स होता है अगर आप 15 डिग्री ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्गीट्यूड्स रेखाओं से तो आप कितने घंटे का समय उस पर कवर करोगे आप उसमें कवर करते हो वन आवर्स का समय जस्ट लाइक हियर लॉन्गी टाइम एवरी 15 आवर्स जो 15 डिग्री है उसको वन आवर्स के बराबर क्लॉक में माना जाता है और अगर आप दो डिग्री दो थर्टी डिग्री वेस्ट की ओर जा रहे हो ईस्ट से थर्टी डिग्री वेस्ट की ओर जाओगे तो आपका कितना घंटे का समय लगेगा टू आवर्स का क्योंकि फिफ्टीन डिग्री इज प्लस फिफ्टीन डिग्री आपका जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगेगा थर्टी डिग्री और टू आवर्स का अमाउंट ऑफ डे लाइट एट अर्थ सर्फेस जो एक्यूट ऑब्जर्वेशन होता है एज यू गो फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो जो डे लाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है समर में और विंटर में घटती जाती हैं एंड द इक्वेटर वाज अप्रोमिकसली ट्वेल्व आवर्स ऑफ डे लाइट और ईयर्स राउंड जो इक्वेटर का ट्वेल्व ईयर्स राउंड समय माना जाता है द नॉर्थ पोल हैज ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ डे लाइट इन द समर जो नॉर्थ पोल्स होते हैं वहाँ पर ट्वेंटी फोर आवर्स का डे लाइट समय माना जाता है समर्स में और विंटर में ट्वेंटी फोर आवर्स का ऑन सेप्टेंबर एंड मार्च ट्वेंटी टू ऑल एरियाज़ ऑफ द अर्थ है और ट्वेल्व आवर्स डे एंड ट्व आवर्स नाइट ये डेज़ हैं जहाँ पर ट्वेल्व आवर्स की नाइट्स होती है और ट्वेल्व आवर्स का डेज़ होता है अब मैप पर अगर हम इन रेखाओं को माप मापते हैं तो ऑन मैप मैप पर जो हॉरीजेंटल लाइन्स हैं दीज लाइन्स आर लेटीट्यूड जो ये रेखाएँ है आपकी हैं ओरिजेंटल लाइन्स जहाँ पर मौजूद हैं ये आपकी लेटिट्यूड्स हैं वर्टिकल लाइन्स जो हैं आपकी ये रेखाएँ आपकी लॉन्गीड्स होंगे द एक्स एक्स इज इक्वेटर जो बीच की रेखा है ये आपकी इक्वेटर है एंड द वाई एक्स रन थ्रू ग्रीन वेच इज़ प्राइमेरेडियन जो बीच की रेखा है ये आपकी प्राइम मेरेडियन है यहाँ से हम इन रेखाओं को जान सकते हैं जो हमें बताती हैं कि मैप पर हम किस तरह से इनको पहचान सकते हैं ट्वेंटी थ्री नॉर्थ ऑफ़ द इक्वेटर इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ से ट्वेंटी थ्री डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वट इज लेटीट्यूड लैटीट्यूड क्या है लेटीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस के समकक्ष चलने वाली दूरी है इक्वेटर के नज़दीक उसी को हम लेटिट्यूड्स कहते हैं इट इज़ एक्सप्रेसड इन डिग्री और नॉर्थ पोल इज नाइन्टी डिग्री एंड साउथ पोल इज नाइन्टी डिग्री एंड रिमाइंड रिमेंबर दैट द इक्वेटर इज जीरो डिग्री लैटिट्यूड वट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेटीट्यूड्स ऑन अर्थ नाइन्टी इज मैक्सिमम एंड यू कैन बी नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड नाइन्टी डिग्री साउथ बट देयर इज नो ग्रेटर लेटिट्यूड्स ऑन अर्थ कोई भी सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स पूरी अर्थ पर नहीं पाया जाता है वट इज लेटिट्यूड्स लेटिट्यूड इज द डिस्टेंस फ्राम इक्वेटर लॉन्ग वाई एक्सेस इट एक्सप्रेस द डिग्री नॉर्थ आपने ये अभी जाना है इसमें नेक्स्ट इज यहाँ पर जोन्स दिखाए गए हैं आपके पैरल्स रेखाएं हैं जो आप पीछे डायग्राम के थ्रू भी जान चुके हो ऑल पैरल्स माने जाते हैं ये आपके जोन्स हैं फ्रेजिड जोन टेम्परेट जोन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट एंड फ्रेजिड ये आपके अर्थ पर पाए जाने वाले जोन्स हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ माने जाते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा जो सेंटर से लॉन्गिंपत रेखा के रूप में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं हमारी जो अर्थ है वो ट्वेंटी फोर आवर्स में एक सर्किल पूरा करती है एक चक्कर लगाती है इसी को हम ट्वेंटी फोर आवर्स के रूप में मेजर करते हैं अगर हमें वन आवर्स का समय निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे थ्री सिक्सटी को आप डिवाइड करोगे ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फोर आवर्स से तो आपका जो आंसर आता है फिफ्टीन डिग्री ये आपका वन आवर्स के बराबर होता है वन आवर्स इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री हम बात करें अगर हमारा जो इंडिया है उसका जो लॉन्गिट्यूड्स टाइम माना जाता है वो थर्टी डिग्री माना जाता है अगर आप ईस्ट से वेस्ट की दिशा में थर्टी डिग्री कवर करके चलते हो तो आप कितने घंटे में पहुँचोगे क्योंकि आपका वन आर कितने के बराबर है फिफ्टीन डिग्री इज इक्वल टू वन आर तो आपका थर्टी डिग्री किसके बराबर होगा थर्टी डिग्री इज इक्वल टू टू आर तो इस तरह से हमें दो घंटे का समय उसमें लगता है जो टाइम पीरियड है आप अगर देखते हैं हमारे अगर ईस्ट में सनराइज सिक्स ए एम पर हो रहा है तो वेस्ट में जो समय है वो दो घंटे पीछे चलेगा लॉन्गीट्यूड्स के हिसाब से जो हमारे भारत का लॉन्गीट्यूड थर्टी डिग्री माना गया है तो यहाँ पर जो सनराइज होगा वो किस समय होगा इट विल बी ऑन फोर क्लॉक यहाँ पर आपका जो फोर एम पर यहाँ पर सनराइज होगा तो इस तरह से टू आवर्स का डिफरेंस चलता है समय पर हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन मानी जाती है वो आपकी है 82 डिग्री हाफ़ भारत की जो स्टैंडर्ड लाइन मानी जाती है वो 82 डिग्री हाफ मानी जाती है भारत की स्टैंडर्ड लाइन एट्टी टू डिग्री हाफ़ है और ग्रीनविच विच मेरिडियन टाइम जो है जीरो डिग्री पर माना जाता है प्राइम मेरेडियन इंटरनेशनल ले के लिए अगर हम एग्जांपल के थ्रू जाने तो क्या डिफरेंस पाया जाता है भारत के टाइम में और इंटरनेशनल टाइम में क्योंकि हमारा वन आवर्स कितने के बराबर हो गया फिफ्टीन डिग्री टू आवर्स थर्टी डिग्री फोर आवर्स सिक्सटी डिग्री और अगर हम सेवेंटी फाइव डिग्री माने तो फाइव आवर्स हो गए और अगर हम ऐटी टू डिग्री हाफ का समय निकालते हैं तो ये आपका होता है फाइव आवर्स हाफ फाइफ एंड हाफ आर्स तो इस तरह से जो डिफरेंस पाया जाता है इंटरनेशनल टाइम पीरियड्स में और भारत के टाइम में वो फाइव आर्स एंड हाफ डिग्री फाइव पॉइंट हाफ यानी साढ़े पाँच घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो वेन द प्राइम मैरिडियन ऑफ ग्रीन बिच हैज दन एट हाइस्ट पॉइंट जब प्राइम मेरेडियन रेखा पर जो सूरज की रोशनी होती है सबसे तेज होती है उसको हम मिड डे नून कहते हैं उसको हम दोपहर के बारह बजे के समय के रूप में मेंशन करते हैं एट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम दैट विल बी बिहाइंड इट तो जो ईस्ट में प्लेस होंगे वो ग्रीन विच के सामने ईस्ट में होंगे तो वो सामने होंगे सूरज के और बाकी बैक साइड होंगे तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि सन और सन ईस्ट के समय किस तरह से अर्थ पर प्रकाश डीफर पाया जाता है हमारी जो अर्थ है वो एक चक्कर पूरा करती है 24 फोर आवर्स में और कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है वो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है द अर्थ रोटेट थ्री डिग्री इन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स विच मीन्स फिफ्टीन एंड आवर्स इज़ वन फोर मिनट्स तो हम इस तरह से टाइम पीरियड्स को काउंट करते हैं वैन इट इज़ नून जब आपके बारह बजते हैं दोपहर के ग्रीन विच पर द टाइम एट फिफ्टीन ईस्ट तो आप ईस्ट दिशा में अगर आप फिफ्टीन डिग्री पर हैं ग्रीन विच में तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए फोर से तो आप सिक्सटी मिनट्स आपकी वहाँ पर निकलती हैं एंड वन आर अड ऑफ ग्रीन विच टाइम विच मीन्स वन पी एम तो आप ग्रीन विच से आगे का जो समय होगा वो वन पी एम होगा मीन्स वन आवर्स का डिफ्रेंस यहाँ पर आप देख सकते हो एज़ फिफ्टीन वेस्ट ऑफ ग्रीन विच अगर आप फिफ्टीन डिग्री वेस्ट में हो ग्रीन विच से तो टाइम विल भी बिहाइंड हमने बात की जो टाइम होता है वो आगे होता है और यहाँ पीछे होता है वेस्ट में तो आप अगर ग्रीन विच रेखा से आगे की ओर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एक घंटा आगे हो और अगर आप बैक साइड जा रहे हो तो आप एक घंटा पीछे हो आपने अगर यहाँ से 12 बजे चलना शुरू किया आप आगे की तरफ गए तो ईस्ट की ओर जाते हो तो आप एक बजे पहुँचोगे एक घंटे में और अगर आप बैक साइड जाते हो वेस्ट की ओर जाओगे तो आप 11 बजे पहुँचोगे तो मींस आप यहाँ पर एक घंटे को गेन करते हो और यहाँ पर आप एक घंटा लॉस करते हो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड घटता है और एक साइड आपका बढ़ता है ऐट वन एट्टी डिग्री इट विल बी मिड नाइट और वन एट्टी डिग्री पर मिड नाइट होती है एंड ट्वेल्व नून ऐट ग्रीन विच और ग्रीन विच में नून होता है एट एनी प्लेस ऑफ वॉच कैन बी एडजस्ट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक वैन द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई अगर आप कहीं पर हो और वहाँ पर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे है तो आप अपने क्लॉक को ट्वेल्व नून के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो लेटीट्यूड्स रेखाएं जो किस तरह से काउंट होती हैं हमारी इस कोण के द्वारा आप समझ सकते हो ये अगर आप आपका इक्वेटर है तो यहाँ से आपका 90 डिग्री कोण हुआ और ये बैक साइड आपका इस तरह से आप लैटीट्यूड्स रेखाओं को मेजर्स कर सकते हो यहाँ पर आपको बताया गया जो है जो लेटीट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो पैलर्स चलती हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स है ये अंटार्टिक सर्कल है ऑल थिंग्स यू हैव ऑलरेडी नो नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल ऑल बैक डायग्राम में आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ चलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपका ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ चलता है और जो आपका आर्कटिक सर्कल है वो सिक्सटी सिक्स डिग्री हाफ होता है नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेट लाइन डेट लाइन हम कैसे निकालते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन हम जब काउंट करते हैं अगर हम बात करें हमने बात की थी कि जो गैप होता है डेज़ का वन डे का गैप पाया जाता है ईस्ट और वेस्ट हम घंटों की बात करते हैं तो वन आवर्स जगह हम दिन की बात करते हैं डेज की बात करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में वन डे का गैप होता है मान लिया कोई व्यक्ति ए और बी हैं दो व्यक्ति हैं अगर ए व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है ए व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है तो वो क्या करेगा एक दिन आगे जाएगा मीन्स अगर वह चला है थर्टी फर्स्ट दिसम्बर को तो यहाँ थर्टी फर्स्ट में वो निकला है लेकिन वहाँ पर वो फर्स्ट जन में पहुँच गया क्योंकि वहाँ एक दिन आगे चलेगा और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हो अगर वो ईस्ट से थर्टी फर्स्ट दिसंबर को निकला है तो वो कहाँ जाएगा बैक साइड जाएगा आपका थर्टी दिसंबर में तो इसलिए वन डे का गैप दोनों दिशाओं में माना जाता है तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू